ध्यान, मेडिटेशन जीवन के उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए और तनाव मुक्त रहने के लिए सबसे सरल एवं उपयोगी तरीका ध्यान या मेडिटेशन को ही कहा जाता है। जानिए क्यों और कैसे केवल 20 मिनट का ध्यान या मेडिटेशन हमारी जिंदगी बदल सकता है। मेडिटेशन, हियर योर इनर वॉइस। मेडिटेशन या ध्यान स्वयं से बात करने की विधि है। मनुष्य के अंदर एक शांत मनुष्य रहता है जिसे हम अंतरात्मा कहते हैं। हमारी अंतरात्मा हमेशा सही होती है, इसलिए ये कहा जाता है कि हम ईश्वर का अंश हैं। सभी महान लोगों ने यह स्वीकार किया है कि अंतरात्मा की आवाज ईश्वर की आवाज है और यह बात किसी धर्म विशेष से संबंधित नहीं है। खुश रहने का सीधा सा तरीका यह होता है कि हम अपनी अंतरात्मा की आवाज सुने, क्योंकि हमारी अंतरात्मा हमेशा हर परिस्थिति में सही होती है। हम जब कभी भी कुछ बुरा काम करते हैं तो हमें कुछ अजीब सा लगता है, मानो कोई हमें यह कह रहा हो कि यह बुरा काम मत करो। यह हमारी अंतरात्मा होती है दोस्तों, जो हमें कुछ बुरा करने या किसी को दुख पहुंचाने से रोकती है। और जब हम अपनी अंतरात्मा की आवाज को अनसुना कर देते हैं तो हमारा अपनी अंतरात्मा से संपर्क कमजोर हो जाता है। जब हम दूसरी बार कुछ बुरा करने जा रहे होते हैं तो हमें अपनी अंतरात्मा की आवाज फिर महसूस होती है, लेकिन इस बार वह आवाज इतनी मजबूत नहीं होती है, क्योंकि हमारा अपनी अंतरात्मा से संपर्क कमजोर हो चुका होता है। जैसे जैसे हम अपनी अंतरात्मा की आवाज को अनसुना करते जाते हैं दोस्तों, वैसे वैसे हमारा अपनी अंतरात्मा के साथ संपर्क कमजोर होता चला जाता है। और एक दिन ऐसा आता है कि हमें वो आवाज बिल्कुल भी सुनाई नहीं देती। जैसे जैसे हमारा अपनी अंतरात्मा के साथ संपर्क कमजोर होता जाता है, वैसे वैसे दोस्तों हम उदास रहने लग जाते हैं और खुशियां सिर्फ भौतिक वस्तुओं में ढूंढने लग जाते हैं। हम समस्याओं को हल करने में असक्षम हो जाते हैं, जिससे हमारी जिंदगी में तनाव आता है और यह तनाव हमारी जिंदगी का हम सफर बन जाता है। और ऐसी परिस्थिति में हमें स्वयं को वापस से अपनी अंतरात्मा के साथ जोड़ना होता है, और इसका सबसे अच्छा तरीका है दोस्तों मेडिटेशन। मेडिटेशन टेक्निक ऑफ सेल्फ कंट्रोल एंड सेल्फ रियलाइजेशन। जैसे जैसे हमें अपनी अंतरात्मा की आवाज सुनाई देना बंद होती है, वैसे वैसे हमारा स्वयं पर नियंत्रण नहीं रहता है और हम सही गलत को पहचान नहीं पाते हैं। ऐसी स्थिति में हम खुद को नियंत्रित नहीं करते, बल्कि परिस्थितियां हमें नियंत्रित करने लग जाती हैं। हम वो करने लग जाते हैं जो आलस्य, डर, तनाव, लालच, क्रोध, घमंड और ईर्ष्या हमसे करवाते हैं। मेडिटेशन खुद पे नियंत्रण रखने का सेल्फ रियलाइजेशन की एक बहुत अच्छी पद्धति मानी जाती है, जो हमारी जिंदगी को आसान एवं खुशमय बनाती है। मेडिटेशन से हमारा आत्मविश्वास और कॉन्सेंट्रेशन बढ़ता है, जिससे हमारा समस्याओं के प्रति नजरिया बदल जाता है। हम समस्याओं को रचनात्मक तरीके से बड़ी आसानी से हल कर पाते हैं, जिससे तनाव कम होता है। सभी महान लोगों ने यह माना है कि हमारी अंतरात्मा में एक अद्भुत शक्ति होती है। हम भी कभी कभी महसूस करते हैं हमारी अंतरात्मा एक ईश्वरीय अंश है, या फिर हमारी अंतरात्मा ईश्वर से हमेशा जुड़ी रहती है, तभी तो हर परिस्थिति में वह सही होती है। स्वामी विवेकानंद ने कहा है कि आप ईश्वर में तब तक विश्वास नहीं कर पाएंगे जब तक आप अपने आप पर विश्वास नहीं करते हैं। इसलिए ईश्वर से जुड़ने से पहले हमें अपनी अंतरात्मा से जुड़ना होगा, या यूं भी कह सकते हैं कि जब हम अपनी अंतरात्मा से जुड़ जाते हैं तो उस अद्भुत ईश्वरीय शक्ति से स्वतः ही जुड़ जाते हैं। और मेडिटेशन हमें अपनी अंतरात्मा से जोड़ने में मदद करता है। लगातार रोज मेडिटेशन करने पर हमें अद्भुत अनुभव होने लग जाते हैं, जिसे शब्दों में बयां नहीं किया जा सकता दोस्तों। हमें उन सवालों के जवाब मिलने लग जाते हैं जो अभी तक अनसुलझे थे। हमें ऐसा लगता है कि जैसे हमारे अंदर एक शक्ति है जो हमेशा हमारी मदद करती रहती है। हीलिंग पावर ऑफ मेडिटेशन, हैप्पीनेस अनलिमिटेड। मन को शांत करने के लिए प्रयास करने की नहीं, बल्कि प्रयास छोड़ने की जरूरत होती है, और इसी को हम ध्यान प्रक्रिया कहते हैं। मेडिटेशन इज इन नथिंग। मेडिटेशन मन की एक सहज अवस्था है दोस्तों, जिससे हमारे भीतर का खालीपन दूर होता है। यह हमारी जिंदगी को बदल देता है, जिससे हम भौतिक वस्तुओं में खुशियां ढूंढना छोड़कर बिना किसी वस्तु के ही खुश रहना सीख जाते हैं। हमारे जीवन का हर पल खुशनुमा हो जाता है और हम वर्तमान में जीना सीख जाते हैं। जब हमारा मन शांत
एवं संतुष्ट होता है तो हमारा कॉन्सेंट्रेशन बढ़ता है। हम समस्याओं को बेहतर तरीके से हल कर पाते हैं और उन्हीं समस्याओं में हमें संभावना पॉसिबिलिटीज दिखने लग जाती हैं। हीलिंग थेरेपी, मेडिटेशन कैन क्योर डिजीजेस। ये कहा जाता है दोस्तों कि ज्यादातर बीमारियों का कारण चिंता या तनाव स्ट्रेस होता है। ध्यान के माध्यम से हम अपने मन को सकारात्मक एवं तनाव मुक्त बना सकते हैं, जिससे सकारात्मक ऊर्जा हमारे शरीर में प्रवेश करती है और हमारा शरीर स्वस्थ बनता है। शोध में यह बात सामने आई है कि मेडिटेशन और हीलिंग पाथ कैंसर समेत कई रोगों में लाभकारी होते हैं और मेडिटेशन से कई तरीके के रोगों को दूर किया जा सकता है, क्योंकि ज्यादातर रोग स्ट्रेस और एंजाइटी की वजह से होते हैं और मेडिटेशन स्ट्रेस और टेंशन को दूर करता है। तो ध्यान रखिए दोस्तों, मेडिटेशन के महत्व को समझिए और इसको अपनी जिंदगी में लगाइए। हम जल्द ही मेडिटेशन कैसे करें इसका वीडियो आपके साथ साझा करेंगे। धन्यवाद।